कि आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था और आपका वोटर आईडी कार्ड बन भी गया है और ईपिक नंबर भी जनरेट हो गया है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड आपके घर पर नहीं आया है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था और वोटर आईडी कार्ड बन भी गया लेकिन आपके घर पर अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं आया है, तो आप वोटर आईडी कार्ड को घर तक कैसे मंगाएंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है NVSP। आपके सामने नंबर फर्स्ट पर वेबसाइट आएगी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के नाम से, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो योर असेंबली का, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी नंबर डाल देना है जो कि फ्रेंड्स अभी बनाने के बाद जनरेट हुआ है। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने देखिए कई डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर BLO लिखा होगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना BLO है उसका नाम लिखा होगा, उसके आगे उनका फ़ोन नंबर लिखा होगा, तो आपको अपने BLO को फ़ोन लगाना है और उनसे पूछना है कि मेरा वोटर आईडी कार्ड आपके पास है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर उनके पास होता है तो फ्रेंड्स वो आपको दे देंगे, आप उनसे जाके कलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आपको देखिए वापस से यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा होम का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसके होम पेज पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड देखिए वोटर आईडी कार्ड को अपने मंगाने के लिए आपको इसमें लॉगिन करना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन और रजिस्टर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। अगर आपका इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड बना हुआ है पहले से ही तो यहाँ पर आपको डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। अगर आपका इसमें यूज़र नेम पासवर्ड नहीं बना है तब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डोंट हैव अकाउंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP पर क्लिक करते ही आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर फ्रेंड जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को उस बॉक्स में डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको आई हैव ईपिक नंबर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देनी है अपनी, फिर यहाँ पर पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने ऊपर डाला है उसको नीचे कंफर्म करना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब पासवर्ड की फ्रेंड्स कुछ कंडीशन है, जैसे दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका नाम अनिल है तो आपके नाम का कैपिटल A फिर स्मॉल NIL@123 इस तरीके का आपको पासवर्ड रखना है, तो आपको ये सब डिटेल्स को फिल कर लेना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आकर आपको अपना यूज़र नेम डालना है, यूज़र नेम आपका वही होगा जो आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने डाला था उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है, ये जो कैप्चा लिखा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप इसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरीके के दो ऑप्शन आएंगे सेल्फ और फैमिली। जैसे अगर आप अपना वोटर आईडी कार्ड मंगा रहे हैं तो आपको सेल्फ पर क्लिक कर देना है, और अपने किसी फैमिली मेम्बर का फ्रेंड्स आप कार्ड मंगा रहे हैं तो आपको फैमिली पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है बन गया है लेकिन अभी तक नहीं आया है, हमारा खुद का है, तो हम सेल्फ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज शो होगा। अब फ्रेंड जब आपने अपना वोटर आईडी कार्ड डाला था, जब आप इसमें लॉगिन आईडी बना रहे थे, तो ये आपके सेल्फ पर क्लिक करते ही आपके जो वोटर आईडी कार्ड होगा उससे ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स को ये डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स लिखकर आने लगेगी, आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी फ्रेंड्स आपकी डिटेल्स आपके वोटर आईडी कार्ड में होगी वो सब यहाँ से आकर ये डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीज़न ऑफ अप्लाइंग फॉर अ डुप्लीकेट कार्ड का,
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रीज़न देना है कि आपका वोटर आईडी कार्ड, मतलब आप दोबारा जो मंगा रहे हैं अपना वोटर आईडी कार्ड किस लिए मंगा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रीज़न डाल देना है कि मैंने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था पर मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आई विश टू रिसीव माई ईपिक बाई पोस्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर प्लेस अपना डाल देना है कि आपका प्लेस कौन सा है। इस कैप्चा को जो लिखा है इसको सही सही फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको एक रेफरेंस आईडी दी गई होगी, इस रेफरेंस आईडी को आपको कॉपी कर लेना है, नोट करके रख लेना है और इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लेना है ताकि इस रेफरेंस आईडी के जरिए आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको इस रेफरेंस आईडी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपनी रेफरेंस आईडी डाल देनी है जो अभी आपने कॉपी की थी। उसके बाद आपको ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आकर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा, उससे 10 दिन के अंदर आपका जो वोटर आईडी कार्ड है आपके घर पर पहुँचा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।